بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. क्या ये हम लोग आ रहे हैं स्क्वेल की तरफ में, जिसमें तीन एक्स्ट्रा होगा, तीन तीन अल्लाह जो नाइन की भी तीन ही एक्स्ट्रा था उसमें, तीन एक्स्ट्रा है, तीन मजीद हरूफ ऐड होगा, ठीक। और किताब के तरतीब के अतबार से ये 941 है, तीसरा कैटेगरी है, ठीक है। तीसरा कैटेगरी क्या? सुदासी। सुदासी कहते हैं क्या? 6 हरूफ वाला फेल, सुदासी, ठीक है। मैंने ये सुलासी फेली है, सुलासी फेल में मजीद भी तीन ऐड हो गया, 3 + 3 6 हो गए, सिर्फ सुदासी कह रहे उसको, ठीक है। सुदासी कैसे? दी जियादती सलासती अहरुफिन, दी तीन जियादती सलासती अहरुफिन, तीन हरूफ जायद इसमें, इसलिए सुदासी कह रहे हैं, ठीक है। वह हुआ तो क्या होता है? वह हुआ माजीदा, वो उस फेल को कहते हैं माजीदा, फी जीदा बढ़ा दिया जाता है, मा यानी अल्लजी, वो फेल है जो जिसमें बढ़ा दिया जाता है, फी माने उसमें है, जिसमें सलासत अहरुफिन, तीन हरूफ को बढ़ा दिया जाता है, ऐड कर दिया जाता है, अला सलासी, सलासी पर तीन को बढ़ा दिया जाता है। वह हुआ अरबातु अबवाबिन, और कह रहे हैं कि ऐसा चार फेल है, ठीक है, जिसमें तीन बढ़ावा रहता है, ठीक है, जिसमें से एक हम लोग देख लिए क्या है, इफ़ाला, इफ़ाल, उसको नाइन भी हम लोग नाम दिए, ठीक है। और एक ये देखेंगे, और बस ये बात है, वो एक बहुत कम इस्तेमाल, इफ़ाल वाला वो कम इस्तेमाल होता है, ठीक है। फिलहाल ये वाला बाब हम आगे बढ़ते हैं इसके तरफ। ये है नजर आ रहा था कुछ, ठीक है ठीक है ना, ठीक है, ये बाब करना है हम लोग, इस तफ़ाला, ठीक है, यस तफ़ालु मजदर इस्तिफ़ालन, इस तफ़ाला यस तफ़ालु इस्तिफ़ालन, ठीक है। क्या बताया जाए इसके बारे में? मौजूनु, मैंने इसकी मिसाल क्या है, इस्तखरजा यस्तखरिजु इस्तिखराजन, इस्तखरजा यस्तखरिजु इस्तिखराजन, व अलामतुहु, इसकी अलामत यह है कि अयकूना, कि होता है मादी ही, उसका मादी अला सित्तति अहरुफ, 6 हरूफ पर मबनी होता है, यानी 6 हरूफ वाला होता है। कैसे 6 हरूफ वाला होता है? बी जियादतिल हमजती सीनी व ताई पी अव्वली, यानी इसमें हमजा सीन और ता शुरू में ऐड कर, इस्ता क्या ऐड हो रहा है, इस्ता, बहुत इजी है समझना इसको, तो क्या शुरू में ही ऐड हो जा रहा है क्या, ये अजीब इस्ता, कोई भी फिर इस्ता ऐड कर देने से नहीं आ जाएगा, ठीक है। अब सवाल पैदा होता है, वह बिना उहू, उसका यूसेज कैसे होता है, बिना माने उसको बनाया जाता है, या हम लोग माने करें इस्तेमाल किया जाता है, किस किस काम के लिए? ली तलबिल फेल, ली तलबिल फेली, ली तलबिल फेल, तलबिल फेल माने फेल को तलब करने के माने में, फेल को तलब करने के माने में इस्तेमाल होता है, यानी कि मीनिंग क्या जिसका आता है, सीकिंग आस्किंग, ठीक है, तलब करने का माने आता है, माने जो फेल का जो बुनियादी माने हैं, इसकी मिसाल दे रहे हैं, अक्सर तलब के माने में आता है गालिबन, ना वो क्या है, अस्तगफिरुल्लाह, ठीक है, अस्तगफिरुल्लाह। अब क्या बताया गया, फेल को तलब करने के लिए आता है, ठीक है। मिसाल जैसे कि यहाँ पे समझे आप, जैसा लफ्ज है यहाँ मिसाल दी गई, इसमें बुनियादी रूप क्या है, अस्तगफिरुल्लाह में गफारा, ठीक है, हाँ, तो गफारा इसको लेते हैं, गैन फारा, ठीक है। इस बाब में जब इसको लाएंगे हम लोग गैन फारा, तो क्या बन तीन जाएगा, ये से इस तब फारा, तो ये ऐड कर दिए, इस बाब में लाने से इस तब फारा हो गया, इस तब फारा, इसका मतलब क्या है, गफारा का मतलब क्या होता है, बख्शना, ठीक है, फॉरगिवनेस। इस्ता में क्या माने आता है, सीकिंग का माने, क्या माने हो जाएगा फिर इस्तगफरा में, उसने, हाँ, ही सॉट फॉरगिवनेस, उसने बख्शिश चाहा, ओके तलब किया, ही आस्क फॉर फॉरगिवनेस, ही सॉट फॉरगिवनेस, ठीक है, आस्क फॉर का मीनिंग आएगा इस बात में अक्सर, मांग, इस्तगफरा, मगफिरत चाहना, ठीक है, मगफिरत चाहना, इस्तगफरा, ठीक है, मगफिरत, इस्तगफर, मुदारे क्या होगा इसका, इस्तफअला यस्तफइलु, मुदारे क्या हो जाएगा इसका, यस्तग
बहुत अच्छा, यस तगफिर, ठीक यस है, यस तगफिर, यस तगफिर, इस्तगफरा, यस तगफिर, मजदर क्या होगा, इस्तिफालुन, इस्तगफरा, यस तगफिरु, तगफरा इस्तिगफारुन, ठीक है, इस्तिगफार मजदर है, जिसे फार हम कहते हैं मजदर है, ठीक है, इस्तिगफार को रहने की सीख फॉरगिवनेस, ठीक है, इस्तगफरा, यस्तगफिरु, ठीक है, इस्तगफरा, यस्तगफिरु, अच्छा, इसी के साथ तो और मिसाल, जैसे कि मिसाल लेते हैं, नसारा, नसारा मतलब क्या होता है, मदद, इस बाब में ले आइए इसको, मदद इस्तनसरा, क्या माने हो जाएगा, बहुत चाहिए। अच्छा, ही आस्क फॉर हेल्प, ठीक है, इस्तन, समझ में आ रहा है, ही आस्क फॉर, ये ऐड कर देंगे तो माने निकल जाता है इस बार में, मैंने ये एक खसूसियत और भी माने हो सकता है, मैंने दूसरे फेल में, इस्तनसरा, ही आस्क फॉर हेल्प, उसने मन चाह, ठीक है, ही आस्क फॉर हेल्प, इस्तनसरा, इस्ता, समझ में आ रहा है आप लोग ऑनलाइन जो सुन रहे हैं, ठीक है, इस्तनसरा, इस्ता लगाने से ये कैफियत या ये खसूसियत आ जाती है, ठीक है, इस्तनसरा मुजदर, मुजदर क्या हो जाएगा, अच्छा यस्तन्सिरु, मुदारे, इस्तन्सरा यस्तन्सिरु, इस्तन्सरा यस्तन्सिरु, ठीक है, अच्छा, ठीक है, वर्ड लेते हैं यहाँ पे आपका, तो ये क्या माने हो गया इसका, फहीमा, फहम, फहम, ठीक है, इसको इस बाब में लाए तो क्या हो जाएगा, इस इस तरफ हमा, क्या माने हो जाएगा, तरह समझना चाहा। हाँ वो ही, उसने समझना है, ही सॉट अंडरस्टैंडिंग, ठीक, उसने समझना, ही वांटेड टू अंडरस्टैंड, ही सॉट अंडरस्टैंडिंग, ही आस्क फॉर अंडरस्टैंडिंग, ही आस्क फॉर द अंडरस्टैंडिंग, ठीक है, मैंने समझना चाहा उसने, इस तरफ हमा, इस तरफ हमा, समझना चाहना, मैंने पूछ रहा है, इंक्वायरी का माने में आ जा रहेगी, इस तरफ हम, ही आस्क, ठीक है, ही आस्क क्लैरिटी, इस तरह का माने, इस तरफ हम, मजदर क्या हो, मुदारी क्या हो, इस तरफ हम, यस यस तरफ हिमू, तब मजदर क्या होगा, इस तरफ हम, तरफ हिमू, इस तब इस्तिफहामुन, इस्तिफहाम कहते हैं ना यार, हमजतुल इस्तेमाल इस्तिफहाम है, माँ इस्तिफहाम के लिए आ रहा है, मैंने पूछने के लिए आ रहा है, ठीक है ना, यानी फहम, क्योंकि आदमी सवाल कब करता है, उसको क्लैरिटी चाहिए रहता है, इसलिए कहते हैं इस्तेफाम है ना, ये माँ इस्तेफाम के लिए, यानी कि माँ हाजा, ये माँ है इस्तेफाम के लिए, व्हाट इज दिस, माँ हाजा क्या है ये, तो आदमी इंक्वायरी पूछना चाह रहा है ना, समझना चाह रहा है, इसलिए पूछता है माँ, इसलिए क्या कहते हैं माँ को, माँ इस्तेफाम नहीं आई, ठीक है, माँ इस्तेफाम के लिए आ रहा है, तो ठीक है, तो टेबल मिली तो ज्यादा मेरे चलते, अच्छा तो ठीक है, ये समझ में आ गया आप लोगों, ठीक, इस्तग पर आगे देखो, लिख दे पूरा, इस्तगफारा, ठीक है, इस्तगफारा, मुदारे, मजर, मुदारे क्या होगा, यस, यस यस तगफिरु, ठीक है, यस तगफिरु, इस्तगफारा, यस तगफिरु, ठीक है, क्या है कि इस्तगफार करो, खुदवा में कहा जाता है ना, इंग्लैंड में आखिर में, मतलब बहुत सारे खतीब कहते हैं, अकुलू कौली हाजा व अस्तगफिरुल्लाह ली व लकुम व लिसाइरिल मुस्लिमीन फस्तगफिरूहू, ठीक है, इस्तगफारा यस्तगफिरू, कहना है किसी को, तुम लोग तुम इस्तगफार करो अंता के लिए, तो कैसे बनेगा, पहले लिखते हैं अंता का क्या होगा, तस्तगफिरू, तस्तगफिरू, ठीक है, तस्तगफिरु, ठीक है, अब बनाना फेल अमर, ठीक है, फेल अमर, क्यों ऑनलाइन कौन बनाना चाहेंगे, फेल अमर बनाइए तस्तगफिरु से, तस्तगफिरु, फर्स्ट स्टेप क्या होगा इसमें, तस्तगफिरु में, इस तक फिर हो जाएगा।
हाँ ता हटा देंगे, और के बाद कर दिए इसको, पढ़ा नहीं जा रहा तो क्या करेंगे, हमजा लाएंगे, ठीक है, पढ़ा नहीं जा रहा तो क्या करते हैं, हमजा, हम हमजा में क्या हरकत देंगे, ऐन में जो हरकत होगा वही हरकत देंगे, ठीक है, कसरा कसरा, देंगे। ऐन में कसरा है तो यहाँ पे भी कसरा आ जाएगा। इस्तग़फिर, ठीक है, इस्तग़फिर, ठीक है, अगर जमा इसके लिए होगा, अगर दो आदमी कह रहे तो क्या होगा, इस्तग़फिरा, सबके लिए कह रहे होंगे अगर, तो तुम सब करो तो इस्तग़फिरु, ठीक है, इस्तग़फिरु, ठीक है, इस्तग़फिरु, ठीक है। नूह अलैहि सलाम सूरह नूह याद है आप में से किसी को, क्या कहते हैं नूह अलैहि सलाम, ये सूरह नूह में क्या क्या अल्फाज है, इन्नहू काना गफ्फार युरसिलिस समा अलैकुम मिदरारा, जी क्या है आयत उसके पहले, इन्नहू काना गफ्फारा के पहले कौन सी आयत है, इस्तग़फिरू, ठीक है, इस्तग़फिरू रब्बकुम इन्नहू का, ये है ना आयत, तो इस्तग़फिर, ठीक है, यानी कि तुम लोग इस्तग़फार करो, अच्छा जो इस्तग़फार कर रहा उसको क्या कहेंगे फिर, ये ग्रामर के कायदा अप्लाई करेंगे, जो इस्तग़फार कर उसको क्या कहेंगे, जो इस्तग़फार कर रहा हो उसको क्या कहेंगे, उसको बदल दें कि मुस्तफिर, मीम स्तग, मुस्तग़फिर, बहुत अच्छा, मुस्तग़फिर, ठीक है, मुस्तग़फिर, मुस्तग़फिरुन हो गया, जिससे इस्तेफार की जा रही है वो क्या हो जाएगा, ग्रामर का ऐसा इस्तेमाल तो खैर देखे नहीं है, कम है, कम है या नहीं है, ठीक है ना, मुस्तग़फर हो जाएगा, जिससे इस्तेफार, जिससे तलब की गई माफी, ठीक है, मुस्तग़फर, मकफूल का सीगा मुस्तग़फर होता है, फिर हाँ, नूह अलैहि सलाम क्या आ गया, फकुल तो मैंने कहा, फकुल तो इस्तग़फिर, अच्छा देखते हैं आयत नंबर क्या है, आयत नंबर 10 सूरह नूह आयत नंबर, ठीक है, हाँ नूह आयत नंबर 10 है, हाँ दिख नहीं रहा सर। ये नहीं तो कॉपी कर रहे वहां पर आप लोग, इसको फिर हट जाएगा अगर उसको ये करेंगे, एक मिनट, हाँ जूम में कॉपी कर रहे हैं, हाँ ठीक है, ठीक है, उसमें देख लीजिएगा इंशाल्लाह, कुरान में आप लोग देख लीजिएगा, चैट पे ऐसे डाल दिया जाएगा, चैट पे आ जाता है तो
है, प्रफुल्ल तो इसका भी फिर वो रख बैठे। हाँ नहीं रहा। ठीक है इसको आगे रखते हैं। कपिल पुस्तक फिर उसमें भी है, ठीक है देख सुरे नु आयत नंबर 10 में देख लीजिएगा। ठीक है कॉपी यहाँ पे नहीं हो रहा, प्रॉब्लम हो रहा है। फिर मजदर क्या होगा इसका, इस्तिगफार। ठीक है इस्तिगफारुन, ठीक है इस्तिगफारुन इस्तिफालुन की वजन से। ठीक है फॉर्म 10 कर रहे हैं इस्तिगफार अलग। ठीक है यस तक वाला यस तब। ठीक है ठीक है ये हो गया। अब थोड़ा सा ना ये फिल कर लेते हैं। ठीक है ध्यान दीजिएगा समझ में आ गया। हाँ अब वर्ड आपको दे रहे हैं क्या, यहाँ पे एक वर्ड है आउन। आउन का मतलब क्या होता है, आउन 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 उल्ला बी आउन इल्लाही, अल्लाह के मदद से। आउन मतलब क्या होता है, मदद। ठीक है आउन मदद होता है। इस बाब में लेकर के आएंगे क्या माने हो जाएगा, इस बाब में अगर लेके आते हैं इसको आउन को क्या माने हो जाएगा, अल्लाह मदद चाहना। की मदद चाहना। ठीक है सही, इस बाब में ले आने से इसको इसका ये हो जाएगा। तो इसका लगा देंगे हो जाएगा, क्या पढ़ा जाएगा इस्तावाना। अब इसको यहाँ लिखते हैं ठीक है इस्तावाना। इस देखिए यहाँ पे इस, लेकिन यहाँ एक प्रॉब्लम है क्या, इस्तावाना जो है ना अच्छा ये उल्टा लिखिए क्या लिखा जाएगा इस्तावाना। हाँ ये होगा इस्तावाना, इस्तफाला तो इस्तावना देख लीजिए गलत लिख देते हैं। इस्तावना वाव के ऊपर क्या है, हरकत है। वाव के ऊपर हरकत पढ़ना थोड़ा मुश्किल होता है, खासकर उसके पहले सुकून अगर आ जाए। ठीक है तो इस्तावना में क्या होता है, वाव के ऊपर हरकत देना क्या, हाँ वाव के को हरकत देना थोड़ा मुश्किल है, तो हरकत को ट्रांसफर कर दिया जाएगा कहाँ पर, आइन पर। ठीक है तो आइन पर क्या हो जाएगा, हरकत आ जाएगा। ठीक है और ये को क्या बना दिया जाएगा, अलिफ। वाव क्या बना दिया जाएगा, अलिफ। तो क्या लिखेंगे इसमें, इस्ता आना। बहुत अच्छा, ये क्या हो जाएगा, इस्ता आना मतलब ही आस्क फॉर हेल्प। इस्ता आना उसने मदद चाह, वो इस तरह जैसे था ना, ठीक है इस्ता आना में मदद मांगना। ठीक है इस्ता आना, अब मुदारे क्या बनेगा इस्ता आना का, बहुत अच्छा ये अलिफ ट्रांसफर हो गया, अब दिमाग आपका नेचुरल हो गया। ठीक है बारकल्लाह फीक। इस्तआना यस्तईनु, इस्तआना यस्तईन यानी ही आस्क फॉर, उसने मदद कहा। ठीक है उसने मदद तलब किया, इस्तआना यस्तईनु। ठीक है इस्तआना यस्तईनु, और इस्तईन क्या हो जाएगा, इस्तईन माने मदद चाहो। ठीक है इस्तेमाल जैसे कि मशहूर हदीस में है, ये है कि अल्लाह के नबी फरमाते हैं इहरिस अला मा यनफाउक। ठीक है लग जाओ डट जाओ जो तुम्हें फायदा दे, इहरिस अला मा यनफाउक ये तुमको फायदा पहुंचाए। वस्तईन बिल्ला और अल्लाह की मदद, वस्तईन अल्लाह की मदद मांगे। अच्छा यस्तईन अब आ जाइए, क्या डेली पढ़ते हैं यस्तईन हम लोग, क्या पढ़ते हैं, या हाँ नस्तईन नस्ताईन इस्तआना पालन क्या हो गई, यस्तईन तस्तईन। नस्ताईन नस्तईन बहुत अच्छा है।
नस्ताईनु, हम मदद मांगते हैं, चाहते हैं, इया का नस्ताईन, ठीक है, इससे बदल मिसाल दो नहीं सकती, ठीक है, नस्ताईनु, यस्तीनु, नस्ताईनु, वी आस्क फॉर, हम मदद मांगते हैं, तेज हम मदद मांगते हैं तुझी से, इया का नस्ताईन, ठीक है, और मदद मांगने वाला क्या हो जाएगा, या को बदल देंगे किससे, नीम से, तो क्या हो जाएगा फिर, मुस्ताइन, मुस्ताइन माने जो मदद मांग रहा है, ठीक है, और एक लफ्ज हो जाएगा मुस्ता मुस्तान, मुस्तान जिससे मदद चाहा गया हो, इसीलिए अक्सर आप देखेंगे उलमा या तलब तालिब इल्म कहते हैं जब कुछ मुसीबत परेशानी हो, क्या कहते हैं, अल्लाहुल मुस्तान, अल्लाह वो है जिससे मदद मांगनी चाहिए, ठीक है, मुस्तान जिसकी मदद ली गई, हाँ जिसकी मदद ली जाती है, जिससे मदद ली जाती है, ठीक है, जिसकी मदद चाहिए गई, जिससे मदद तलब की गई, ठीक है, मुस्तान, अल्लाह मुस्तान, कौन कौन से नबी कहते हैं अल्लाह मुस्तान, कौन से नबी कहते हैं जी, सर यूसुफ, याकूब अलैहि सलाम कहते हैं अल्लाह मुस्तान, ठीक है, और भी है देखना पड़ेगा, तो मुस्तान जिससे मदद तलब की गई, ठीक है, इसका मजदर थोड़ा सा अजीब है, मैंने मजदर में बोलता आया था लास्ट में, इस्तआना यस्तईनु, क्या मजदर बनेगा पता आप लोगों, इस्तआना यस्तईनु, क्या इस्तआना होना चाहिए मजदर अकेले अगर वाओ कंसिडर करे तो, हाँ इस्तिवानुन इस्तिवानुन ये मजदर होना चाहिए था, इस्तिवानुन, लेकिन वाओ पर हरकत है, वाओ पर क्या है, हरकत है, वाव पर फतह है, तो इसलिए फतह को क्या ट्रांसफर किया गया ऐन पर, ठीक है, और वाव हो गया फिर सुकून, वाव के लिए मुनासिब अलिफ बना दिया जाएगा, अलिफ दो अलिफ इकट्ठा कभी आता नहीं, दो अलिफ इकट्ठा नहीं आता, ठीक है, तो एक अलिफ को फिर अलिफ को ड्रॉप ही कर दिया गया, ठीक है, अलिफ की फिर ड्रॉप हुआ है तो कॉम्पेंसेट करने के लिए उसके एवज में गोलता आ गया लास्ट, तनवीन यहाँ पे शिफ्ट हो गया, क्या पढ़ा जाएगा, इस्तियानतुन, इस्तियानत, ठीक है, इस्तियानतुन, मजदर क्या बन गया, इस्तियानतुन, ठीक है, ये पढ़ा जाएगा इस्तियानतुन, ओरिजिनल था इस्तियानुन, इस्तियानत ये मजदर है, ठीक है, टाइम लोग का बहुत जा रहा, मगरिब का वक्त होने वाला है, ठीक है, इस्तियानतुन, इस्तियानत, तो आस्क फॉर हेल्प, ठीक, इसी से मिलता जुलता एक वर्ड है क्या, मदद के ताल्लुक से एक वर्ड है, यहाँ पे लिखते हैं, ये वर्ड है गौस, गौस मतलब क्या होता है, मदद, गौस मतलब होता है मदद, लेकिन ऐसा आम मदद नहीं, आम मदद में तो आने आ गया, इसका आना माने बस मदद चाहते हैं, लेकिन आउन गौस ऐसी मदद जो आदमी बहुत बुरी तरीके से फंसा हुआ है किसी जगह में, डेस्परेटली एकदम मदद चाह रहा है, ठीक है ना, मतलब वो एकदम डेस्परेट हो गया मदद के लिए, ठीक है, मैंने एट द टाइम ऑफ डेस्परेट नीड, एकदम बहुत ही बुरी तरीके से फंसा हुआ उस वक्त जो मदद होता है उसको क्या कहते हैं, गौस कहते हैं, ठीक है, तो गौस इस बाब में लेकर के आ जाए तो क्या होगा, इस गौ क्या हो जाएगा, इस्तग़ौसा, इस्तग़ौसा, लेकिन फिर से वाव पे क्या है, पता है, इस तक हुआ था, लेकिन आसानी के लिए क्या हो जाएगा, या बन जाएगा इस्तगाथा, ठीक है, क्या हो गया ये इस्तगाथा, ठीक है, इसको लिख रहे हैं फिर से इस्तगाथा, ठीक इस्तगाथा, अब बताइए मुदारे क्या होगा, इस्तगाथा, यस्तगीथु, बहुत अच्छा, यस्तगीथु, कुरान में बहुत सारी मिसाल है, ठीक है, यस्तगीथु, इस्तगासा यस्तगीसु, इसका मतलब क्या होगा, वही मदद चाहना, लेकिन यहाँ पर जो मदद है वो बहुत बुरी मतलब बहुत परेशानी में फंसा, बहुत बड़ा बड़ी मुसीबत है, मुसीबत माने बहुत बड़ा किस्म का परेशानी में फंस गया इंसान और उससे निकलना रहा, उस वक्त जो आदमी कहेगा कि उसने मदद चाहा तो क्या कहेगा वो इंसान के लिए, कहेगा इस्तगासा, ही सॉट हेल्प एट दैट एट डेस्परेटली, ठीक है, बहुत बुरी मुसीबत में फंसा हुआ था उस सिचुएशन में, उस मरहले में वो मांग रहा मदद, तो क्या होगा इस्तगासा, आम मदद के लिए क्या होगा इस्तआना,
इस्तगासा बहुत बड़ी परेशानी, क्या बहुत बड़ी परेशानी है बताओ, इस्तगासा यस्तगीसु ठीक है, और मजदर क्या हो जाएगा सेम इसके तरह, इस्तिआनतुन, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, इस्तेहासतुन। इस्तिगासतुन, बहुत अच्छा बोलता आ जाएगा, इस्तिगासतुन, इस्तिगासा, इसका टॉपिक क्या अकीदा पढ़ाई जाती, ठीक है, इस्तिआनत, इस्तिगासा, ठीक है, सही हो गया। तो यहाँ पर वाव और एक है, इसकी से मिलता जुलता क्या, इस्तआजा यस्तईजु इस्तिआजतुन, इस्तआजा माने पनाह तलब करना, ठीक है, इसी से मिलता जुलता क्या, इस्तआजा यस्तईजु, इस्तआजा यस्तईजु, ठीक है, इस्तिआजतुन अक्सर हो गया, इस्तिआजा है ना, सब में फर्क है, पनाह मांगना अलग चीज, गौस मांगना अलग चीज है, आउन मांगना अलग चीज है, ठीक है ना, सब में अलग डिफरेंस है, वक्त नहीं जो बताते, बस एक मिसाल इसकी कर ले क्या, लफ्ज ये है, मैं कायदा ही बता देंगे आपको, तो क्या लफ्ज है, खैर, खैर इस बाब में लेकर के आ रही है, खैर लफ्ज है, इस बाब में क्या आ जाएगा आने से, हाँ, इस्तफार इस क्या हो जाएगा पूरा अगर लिखे तो, इस ओरिजिनली क्या होता है, इस्तखियरा, इस्तखियरा था, इस्तखियरा, ठीक है, लेकिन ये या बदल जाएगा इसमें, वाह और या कैरी नहीं कर सकता, मैंने हरकत कैरी करना बोझ होता है उसके लिए, तो उसको अलिफ बना दिया जाता है, तो क्या पढ़ा जाएगा अब, ये इसको फतह कर दिया इस्तफार जाएगा, इस्तखारा, इस्तखारा मजदर क्या, मुदारे क्या होगा, यस्तखीरु, इस्तखारा यस्तखीरु, इस्तखारा यस्तखीरु, और मजदर क्या हो जाएगा, इस्तिखारा, इस्तिखारा तुम, ठीक है, इस्तिखारा जो हम लोग कहते हैं, इस्तिखारा तुम, इस्तिखारा, ठीक है, तो खैर मतलब क्या होता है ऐसे, भलाई, अच्छाई, इस्तखारा माने क्या हो जाएगा, भलाई चाहना, हाँ ये इस्तखारा का लुघवी माने क्या पता चला, भलाई, ठीक है, तो आस्क फॉर गुडनेस, ठीक है, तो इंसान जब इस्तखारा करता है तो इंसान क्या करता है, वो भलाई चाहता है, ठीक है, वक्त नहीं जो हम बात करें इसके बारे में, ठीक है ना, तो भलाई, इस्तखारा याद रहे कि इस्तखारा एमसीक्यू नहीं है, इस्तखारा मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन की तरह नहीं है कि हम हमको कुछ करना है, तीन तीन चॉइस मेरे पास में, क्या करें समझ में नहीं आ रहा, तो इस्तिखारा से नमाज पढ़ के दुआ पढ़ लेते हैं, ख्वाब में हल हो जाएगा, इस्तिखारा एक मल्टीपल चॉइस नहीं कि तीन लड़की से शादी करना है, तीन में से तीन के पास तीन ऑप्शन है, तो कहाँ किससे शादी करे, तो इस्तिखारा कर लेते हल हो जाए, नहीं, इस्तिखारा का दुआ अगर पढ़ेंगे तो उसमें वाजे मसला है, ठीक है, वाजे किया गया इस्तिखारा में कि दुआ खुला हुआ है, लेकिन हम इसको हम यहाँ पर लाएंगे तो कॉपी नहीं, ठीक है, इस्तिखारा में हम क्या करते हैं, अल्लाह दुआ नहीं, दुआ करते हैं, और दुआ में ना चॉइस नहीं जिक्र करते हैं, याद नहीं। रखिए, पहले डिसीजन लेते हैं, इस्तिखारा का तरीका क्या है, पहले डिसीजन लिया जाता है कि पहले आपके पास दो तीन चॉइस था, पहले आप सोच विचार करके, कंसल्टेशन करके, मशवरा करके क्या किया आपने, एक देखो फैसले बस तक पहुंचे कि चलो यही काम करेंगे, तीन चॉइस था, दो चॉइस था, जितना भी चॉइस था, ये काम करेंगे, कुछ फैसला आप ले लीजिए, ये काम करेंगे, अब उस काम को आप उस दुआ में क्या करेंगे, दुआ दुआ करते वक्त उस काम को जहन नियत में लाइक लेकर के आएंगे, ठीक है, ये काम करने, ये जिक्र कर, ये जिक्र करेंगे इसमें, या नियत में कम से कम दिमाग में लाएंगे, अल्लाह ये काम मेरे लिए क्या है, अच्छा है इसमें, ठीक है, तो तू इसको आसान कर दे, इसमें बरकत अता कर, फकदुर हु ली वयसिर हो ली तुम मबारिक ली थी, ठीक है, इसलिए काम तू मेरे लिए क्या कर दे, आसान कर दे, अगर इसमें क्या हो मेरे लिए बुराई है, ठीक है। है, तो क्या है इस दुआ में फिर, इस काम को तू मुझसे दूर कर दे, मुझको इससे दूर कर, ठीक है, बहुत अजीब से अल्फाज है, ठीक है ना, क्या है, बस रिफ वन नी बस रिफ नियम, कि मुझको उससे बस रिफ नी अन बस बस रिफ वन नी उसको मुझसे दूर कर दे, बस रिफ नियम मुझको उस मुझको उससे दूर कर दे, ठीक है, ये हम दुआ कर, इसका मतलब ये कब होगा, जब इंसान चॉइस उसके पास था और उसने क्या किया, एक चॉइस को अल्लाह के बारगाह में रखता उसने, ठीक है, और उसके बाद में पहला बात, अगर वो तो पता कहीं चलेगा कि इस्तखारा मेरा कबूल हुआ कि नहीं हुआ, जो बिल्कुल मुतमईन हो जाएगा आपको, वो काम आपके लिए आसान हो गया, जो काम आप करने निकले थे वो काम देखा आपने, आपके लिए आसान हो गया, उसमें खैर व बरकत हो गई, ठीक है, चलो यही काम ये कबूल है अल्लाह की तरफ से, लेकिन अगर वो काम नहीं हो पाया, ठीक है, वो काम से अगर आप दूर हो गए तो समझ में क्या आएगा, चलो मेरे लिए अल्लाह ने क्या भलाई की, मतलब अच्छा ही है कि इसमें कुछ बुराई थी इसलिए अल्लाह ने हमको उसको क्या कर दिया,
दूर कर दिया। ठीक है, सकार करने से फायदा क्या होगा कि इंसान मुतमईन होगा, अगर होता भी है तो तभी भी सही रहेगा, वो खुश रहेगा, चलो अच्छा हुआ, और नहीं भी हुआ तो सोचेगा नहीं इसमें मेरे लिए बुरा बुराई है, कुछ अच्छा अल्लाह ने मेरे लिए लेके रखा जरूर, वो अच्छा हुआ, तो आदमी हमेशा मुतमईन रहेगा। लेकिन इस्तकारा अगर नहीं भी करेगा, इस्तकारा नहीं करेगा तो उसका क्या होगा, वो मुतमईन या वो एट पीस नहीं रहेगा, ठीक है ना, थोड़ा सा उसका खलबली इस तरह का मचा रहेगा, मतलब क्या हो गया, नहीं हुआ ऐसा, ठीक है, लेकिन वो मुतमईन होना उसका इत्मीनान नहीं रहेगा उसके दिल में, ठीक है ना। इसी छोटी छोटी चीजों के लिए भी इस्तखारा करना चाहिए, कुछ सामान ले रहे हैं इस्तखारा कर लेना चाहिए इस तरीके से, जैसे हमारे हम इस्तखारा थोड़े से पढ़ लें के दुआ कर लेना दुआ। चाहिए हाँ, कभी इस्तखारा मैंने भी, रकात नमाज, तरीका भी यही है कि नमाज पढ़ के 2 रकात, दो रात नमाज, में सोते वक्त नहीं जो हाँ बोलता है हाँ हाँ दो, कोई भी वक्त अगर कोई भी आपको जरूरत वक्त पड़ा तो आप इस्तखारा किया, 2 रकात नमाज पढ़े, उसके बाद दुआ पढ़ लिए, नमाज दुआ के बाद पढ़े दुआ पढ़ लिए, ठीक है ना, ये चीज है। तो आपका हाँ, और अल्लाह इसमें तो अहम चीज क्या है कि कोई चीज अगर इंसान नहीं हुआ उसको, मैंने कोई चीज इंसान जैसे इसको तलब करना चाह रहा था, ये कोई नहीं सामान हुआ है, ठीक है ना, तो वो तलब करना चाह रहा था, इसको हमको चाहिए लेकिन नहीं हुआ, ठीक है, तो हम क्या दुआ करते, अल्लाह से, अल्लाह तू मुझको, तू उसको मुझसे दूर कर दे, ठीक है ना, तो क्या हम दुआ करते, अल्लाह ये इंसान है, ठीक है, अल्लाह अल्लाह से चाह रहा है वो, यहाँ स्क्रीन पे देखिए, ठीक है ना, ये जो सामान है वो उसको नहीं मिला, तो वो कहता है कि अगर अल्लाह मेरे लिए, अगर ये बुराई है मेरे लिए, ठीक है, तो उसको, तो दूर उसको दूर कर दे, यानी कि वो चाह रहा है कि ये कर दूर हो जाए, या अल्लाह तू इस चीज को दूर कर दे, अगर इसमें बुराई है तो, ठीक है, लेकिन होता है इंसान के साथ में चीज दूर हो जाती है लेकिन उसका दिल जो है ना वहीं पर अटका रहता है, ठीक है, दूर हो गया फिर भी कहीं नहीं मिला, कहीं नहीं मिला, साथ साथ ये भी दुआ करता है अल्लाह से, अल्लाह तू उसको दूर कर दे और मुझको भी इससे क्या कर दे, दूर कर दे, कि मेरा दिल मुअल्लक ना हो, उसके साथ जुड़ा हुआ ना रह जाए, ठीक है, ये चीज होता है, अन्य हाँ ये होता है, तो नहीं उसको मुझसे नहीं दूर कर दे और मुझको उससे दूर कर दे, ठीक है, माने वो, अब माने दोनों अलग डायरेक्शन में, बुराई दूर चला गया, हम भी उससे दूर चलेंगे, तो टोटल तरीके से तू मुझसे, वो इंसान दूर हो जाएगा उससे, ठीक है, तो इससे खारा का इसी बाप से है, ठीक है, इस बाप में ये माने पाया जाता है, जैसा कि हम लोग देखे हैं, ये सब है, इस्तगासा और इस सब कुरान में है, मूसा अलैहिस्सलाम के किस्से में सब मिसाल दी गई है, ठीक है, अभी तो वक्त नहीं जो हम बताते हैं आप, तो खैर ये माने में इस्तेमाल ये होता है, ठीक है, ये हो गया है, और ठीक है, अभी और की और जो ये था कुछ, तो और भी इसकी खसूसियात में से है, ठीक है, लेकिन ये वक्त जो है वो हो गया है, और जिसकी मिसाल यहाँ पे दी गई है, बस यही इसका 2 मिनट देख लेते हैं, ठीक है, और अल्लाह ताला का ये कॉल किया, वह इज तस्का मूसा, देखिए सका, बुनियादी सवाल क्या है, सका, सका मतलब क्या होता है, पिलाना पिलाना या पानी पिलाना, और भी कुछ और पिलाना माने जा सकता है, सका मतलब पानी पिलाना माने जाते हैं, सका उसने पानी पिलाया, पिलाया इस में ले आए, इस तस, तो इस बाब में ले, ये सका है, ओरिजिनली क्या है, सकाया है, लेकिन बताया या के लिए हरकत उठाना भारी है तो अलिफ पढ़ा जाए, सका, इस बाब में ले आया तो क्या हो जाएगा, इस इस तस्का हो जाएगा, क्या माने हो जाएगा, ही आस्क फॉर वाटर, सका का मतलब होता है पिलाना, पिलाना पानी मांगा उसने, पानी पिलाया उसने, ठीक है, बारिश और इस तस्का माने ही आस्क फॉर वाटर, ठीक है, ही के लिए जो आस्क इस फॉर, तस्का हाँ, सलातुल इस्तिस्का जिसको कहते हैं, हाँ, सलाम तो इस सका माने पानी पिलाना, माने पानी से इसका ताल्लुक है, इस तस्का माने क्या हो जाएगा, ही आस्क फॉर वाटर, यानी कि उसने, इस तस्का माने दुआ करना अल्लाह से, तो यहाँ पे मूसा किया, और याद करो जब इस तस्का मूसा, मुसयू होनी पड़ती, फायल है लेकिन मूसा ही नहीं हो सकता, ठीक है, अलिफ है, मूसा, मूसा फायल है, तो मूसा ने इस्तिस्का किया, यहाँ पे नहीं है, रब बहू अपने रब से, जरूरत नहीं, अंडरस्टूड है कि अल्लाह से मांगा उन्होंने, दुआ अल्लाह से की, ठीक है, या इस्तिस्का मूसा अल्लाह, अंडरस्टूड अल्लाह से मांग रहे हैं, ठीक है, किसके लिए मांग रहे हैं, ली कहो, मैंने अपने कौम के लिए, मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला से पानी तलब किया, ठीक है, ताकि कौम पानी पिए, मैंने पानी से फायदा उठाया, ठीक है, तो सत्ता का माने पानी, यहाँ पर कर ले, सत्ता पानी मांगना, पानी तलब करना, ठीक है ना, तो और एक कह रहे वक़द याति, कद यानी कभी कभी के माने में, और याति ये आता है, लाजिम भी आता है ये फेल, कभी कभी क्या माने में आता है, लाजिम मुतअद्दी नहीं, यहाँ तो फेल क्या था, मुतअद्दी यानी कि मैंने मांगा किसी से, ये मांगने का माने है ना, मैंने मदद चाहा किससे, जो हम जितना सारी मिसाल किए हम लोग अब तक, ठीक है, तो कभी हाँ कभी कोई भी लाजिम, इंसान
हाँ मुखिर, लेकिन कभी कभी लाजिम के माने में भी आ सकता है, ठीक है, लाजिम के माने में भी आ सकते हैं। इंशाल्लाह इसको हम लोग कर छोड़ देते हैं, आज तो कंप्लीट नहीं हो पाया, नेक्स्ट क्लास में इसको और भी क्या खसूसियात है इसके, इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में लोग देखेंगे, और कुछ कुरान की मिसाल भी नेक्स्ट क्लास में करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। इतना तक करते हैं, समझ में नहीं आया होगा तो अगर ग्रुप में सवाल कर लीजिएगा, ठीक है। सुबहानक अल्लाह वबिहमदिका, अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तग़फिरुका वअतूबु इलैक।